हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी ट्यूब प्रयागराज। मैं अनुपमा चौहान आज आपको टैली ईआरपी 9 के अगले लेक्चर के बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं लेक्चर आप लोग को पढ़ाऊंगी, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में अकाउंट्स बताया था और अकाउंट्स के तीनों टाइप के बारे में बताया था। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स कैसे वर्क करता है, उसमें ट्रांजैक्शंस का क्या रोल होता है, ये सारा कुछ बताया। फ्रेंड्स, आपको तो याद ही होगा कि मैंने आपको तीनों रूल्स भी बताए थे, जिसे हम लोग अकाउंट्स में गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन रूल्स आई होप कि आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो एक बार फिर से मैं आप लोग को रिमाइंड करा देती हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं, जो आप लोग का पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है आप लोग को, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले बार आप लोग को बना के आप लोग को यहाँ पे कंटेंट्स जो रखे थे मैंने स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था जो भी कुछ आप लोग प्राप्त करेंगे वो डेबिट होगा और जो भी कुछ आप लोग जो है देंगे वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक इसी की तरह आप लोग का रियल अकाउंट्स है। अब जब रियल अकाउंट्स की बात करते हैं तो उसका भी रूल आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो उसको भी मैं रिमाइंड करा देती हूँ। यहाँ पे रियल अकाउंट्स का रूल कहता क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, मतलब क्या हमारे पास आ रहा है, जो भी कुछ हमारे पास आता है उसे हम डेबिट के रूप में देखते हैं और जो भी कुछ हमारे पास से जा रहा होता है वो हम क्रेडिट के रूप में देखते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो दोनों आपके अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट हो या रियल अकाउंट, इनके अपने नेचर है और इनके नेचर के अकॉर्डिंग ही इनका रोल भी डिपेंड करता है। अब ये नहीं कि आप उनका जैसे कि रियल अकाउंट है और उसी में आपने क्या किया उसको जो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, जिसका जैसा जैसा नेचर उसका वैसा ही रूल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था, सिंपली अगर आप लोग सब कुछ भूल जाते हो, नहीं कुछ याद है तो बस इतनी छोटी सी बातें याद रखिए, जो आपका पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में नहीं गया वो सारा कुछ आपके नॉमिनल अकाउंट में चला जाता है। नॉमिनल अकाउंट वो जिसके सारे खाते आपके बैंक अकाउंट के थ्रू शो करते हैं, मतलब उसके सारे ट्रांजेक्शन आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसी के बीच में आप लोग को अगर थोड़ी सी एक छोटी सी बात है वो मैं रिमाइंड कराना चाहूंगी, क्या कभी भी आप लोगों ने अपने पासबुक को कायदे से एक बार खोल के चेक किया है? अगर नहीं तो उसे एक बार जरूर चेक करिएगा। आप लोग जितने भी पैसों की आप लोग जो है लेन देन करते हो, उसमें निकालते हो या जमा करते हो, आजकल तो डिजिटल ट्रांजेक्शन भी होते हैं, तो क्या आप लोग कभी भी अपने पासबुक में एक बार चेक करते हो? अगर नहीं करते तो उसे जरूर चेक किया कीजिए। उसे चेक करने से होगा क्या कि आप लोगों को जब टैली पे वर्क करो तो बहुत हेल्प मिलेगी आप लोग को, उसमें आपका डेबिट हो क्रेडिट हो ये सब कुछ बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि आपका कब कितना अकाउंट कब कितना बैलेंस आपका जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये तो समझ में आया कि आप लोग का जो है नॉमिनल अकाउंट कैसे वर्क करता है। अब लाइए मैं आपको इसके रूल्स के बारे में बता दूं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए रूल्स भी लिख के रखे और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कल ही आप लोग को ये रूल्स बता दिए और फिर से दोबारा मैं आपके सामने इसको रिमाइंड करा रही हूँ। मतलब यहाँ पे अब इसका रूल कहता क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। कहने का मतलब ये है कि आपका जो नॉमिनल अकाउंट है वो कहता क्या है कि जितने भी खर्चे हैं और जितने भी लॉसेस हैं वो सारा कुछ डेबिट हो रहा है और जितने भी आपके मतलब सभी प्रकार के इनकम और गेन्स हैं वो सब कुछ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन ये कि जितने खर्चे हैं और लॉसेस हैं तो डेबिट, तो मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि हम इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मतलब हम अपने बिजनेस से रिलेटेड इसको देखते हैं और ठीक इसी के अपोजिट होता है आपके इनकम और गेन्स। ओके फ्रेंड्स, अब टाइम है हमें इससे आगे बढ़ने का, आ जाइए। अब यहाँ पे मैं आप अपने स्क्रीन पर टैली को ओपन करके सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगी कि जब हमारे हमें ये चीज समझ में आ गया तो हमें फिर क्या करना होता है, डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया आपको, रूल्स और रेगुलेशंस आपको समझ में आ गए, अब हमें क्या करना होता है कि हमें हमारे गेटवे ऑफ टैली पे लेजर्स बनाने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे गए आप, इस तरह से आप अकाउंट्स इन्फो में पहुंचे।
फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इस तरह से लेजर्स को चूज करके एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप जब लेजर्स की कैटेगरी में आएंगे तो आपको दो तरह से लेजर्स बनाने को बताया जाएगा, पहला सिंगल और दूसरा मल्टीपल लेजर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर आपको सिंगल लेजर बनाना हो तो अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपको एक लेजर बनाना हो कैपिटल अकाउंट का। दोस्तों ये बनाने से पहले मैं एक बात और आपके सामने क्लियर कर दूं, और वो ये कि आपके स्क्रीन पर आप कोई भी लेजर बनाओ उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप लेजर में जब जाते हो तो यहाँ डिस्प्ले में आप जाकर देख सकते हो, यहाँ दो लेजर ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके बने हुए होते हैं, एक तो कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस वजह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दूसरे यही लेजर्स फिर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और क्योंकि ये टैली है, डिजिटली आप इस पे वर्क करते हो तो आपको एक ही लेजर बार बार नहीं बना सकते, मतलब आपके यहाँ पे डुप्लीकेट लेजर आप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि यहां तक आप लोग का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब हम शुरू करते हैं हमारे फ्रेश लेजर। अब मैं डेमो के रूप में आपको एक कुछ लेजर्स बना के दिखाती हूँ। देख सकते हैं यहां मैं अपने स्क्रीन पर आ गई, जहां पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर हमारे यहाँ पर लेजर क्रिएशन लिखा है। ठीक है, लेजर क्रिएशन, ये मतलब हमारे ये जो डायलॉग बॉक्स हमने ओपन किया है, हमारे जो स्क्रीन ओपन है, ये लेजर क्रिएशन का है। कभी कभी होता है कि जल्दीबाजी में लोग काम करते हैं और भूल जाते हैं कि हम कहाँ वर्क कर रहे हैं, डिस्प्ले खोल के उसमें सोचते हैं कि हम लेजर क्रिएशन करें, तो ऐसा नहीं होता। ये ऑर्डर खोल के उसमें सोचते हैं कि हम उसमें जो है लेजर क्रिएट करें, तो ऐसा नहीं होता। फ्रेश लेजर क्रिएट करने के लिए हमको सिंपली लेजर क्रिएशन में ही जाना होता है। अब यहाँ पे आपकी लेजर बनाने के दो तरीके होते हैं, मल्टीपल और सिंगल लेजर। तो मैं सबसे पहले आप लोग को सिंगल लेजर क्रिएट करना बता रही हूँ, क्रिएट पे गए, उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि मैं सबसे पहले आपको कैपिटल लेजर बनाना सिखाती हूँ। ये देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे कैपिटल टाइप किया, देन उसके बाद शॉर्ट में मैंने यहाँ अकाउंट्स टाइप कर लिया। फ्रेंड्स यहाँ नेम के सामने मैंने लेजर का नाम दे दिया, लेकिन आप देख सकते हैं नेम के नीचे ही लिखा है अलायस। अलायस का मतलब क्या होता है तो मैं बता दूं, अलायस का मतलब होता है रेफरेंस, किसी भी चीज का रेफरेंस। सपोज दैट जैसे हमारी ये इन्वेस्टमेंट है, किस टाइप का इन्वेस्टमेंट है, अब यहाँ पे आप बात है इन्वेस्टमेंट क्या है, आप लोग तो सोच रहे हो कि मैं कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ, बीच में ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी बिजनेस नया नया शुरू करते हो तो आप कुछ ना कुछ पैसे आप उसमें क्या करते हो, लगाते हो, जिसे हम पूंजी निवेश के रूप में कहते हैं। हिंदी में हम उसे पूंजी निवेश कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, मतलब पूंजी को ही हम कैपिटल के रूप में जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे इसीलिए कैपिटल अकाउंट बना। अब हम मान लीजिए अपना नया नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ तो पैसे हमको दिखाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ पैसे हमारे पास होंगे तभी तो हम बिजनेस शुरू करेंगे, तभी तो हम बिजनेस कर पाएंगे, वरना हम बिजनेस कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल का लेजर बना लिया, बनाने के लिए मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे जब स्क्रीन पर आप देख सकते हो कर्सर आया, तो क्योंकि हमारे स्क्रीन पर सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल ही लिखा हुआ शो कर रहा होता है, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कर्सर हमारा आया है ये अंडर के सामने आया है। अंडर के सामने आने का मतलब ये हुआ कि ये हमसे ग्रुप पूछ रहा है, अंडर का मतलब ग्रुप यानी कि लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब कैपिटल बना रहे हो आप तो कैपिटल के लिए आप लोग किस में जाओगे, कैपिटल अकाउंट्स में जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था तो हम चूज कर लेंगे इस तरह से, और अगर आपको अगर नहीं मिलता है तो आप स्पेस बार इस तरह दबा करके उसमें आप सी प्रेस करोगे, और जैसे ही हाईलाइट होगा उसको डाउन एरो की मदद से आप इस तरह से कैपिटल अकाउंट चूज कर लोगे, और फिर एंटर 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 करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। फ्रेंड्स वापस से मैं इस लेजर को दिखाना चाहूंगी कि इस लेजर में जब आप बनाते हो तो क्या क्या चीजें करनी होती है, किन किन बातों का ध्यान देना होता है। ठीक है, इसके लिए वापस से मैं पिछले लेजर पे जाने के लिए मैं यहाँ पे पेजअप बटन मैंने प्रेस कर दिया, पेजअप बटन, ये अब पेजअप बटन प्रेस करके मैं वापस से अपने कैपिटल लेजर पे आ गई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो जो हमारा स्क्रीन है, यहाँ पे हमने इसका नाम दिया, फिर इसका हमने ग्रुप चूज किया, उसके बाद हमारे इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, क्या अफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमने इसको नो ही रहने दिया। इसके अलावा स्क्रीन पे आप देख सकते हो टॉप पर राइट साइड में आपके यहाँ पर टोटल ऑप्शनल बैलेंस पूछ रहा है,
टोटल ऑप्शनल बैलेंस हम तब देते हैं जब हमें देने की जरूरत होती है, अदरवाइज हम इसमें नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारी एंट्री में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद आप नीचे देख सकते हो, एकदम डाउन एरिया में, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ओपनिंग बैलेंस करके यहाँ पे नीचे एकदम आखिरी में दिया हुआ है। यहाँ पे भी जो हम इस तरह से एंटर एंटर करके जाते हैं, ये इस तरह से, तो हमारे कर्सर एक बार यहाँ जरूर आता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक ओपनिंग बैलेंस के रूप में यहाँ पे शो करा देते हैं, वो भी कोई जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है, अगर आप शो कराना चाहो तो करा सकते हो, नहीं कराना चाहो तो नहीं करा सकते हो, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली एंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे एक लेजर तैयार हो चुका है। अगर आपको देखना हो कि हमारे लेजर कहाँ है तो आप इस तरह से डिस्प्ले पे जा करके यहाँ आप देख सकते हो। आपने पहले स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दो लेजर बने हुए थे, कैश और प्रॉफिट का, लेकिन अब आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का लेजर भी बना तैयार है। क्यों? क्योंकि इसे मैंने अभी क्रिएट किया है। ओके फ्रेंड्स, तो डिस्प्ले में क्या होता है कि हम अपने लेजर को देखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इसके नीचे अगला ऑप्शन दिया है ऑल्टर। ये ऑल्टर का इस्तेमाल क्या होता है, तो ऑल्टर का इस्तेमाल होता है जैसे आप कोई भी लेजर बनाए हो उसमें कुछ भी गलती हो गई, उसको सुधार करना चाहते हो या उसको डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए ऑल्टर का इस्तेमाल होता है। ऑल्टर पे जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, अकाउंट्स इन्फो में जाओगे, देन उसके बाद यहाँ पे लेजर्स पे जाओगे। लेजर्स में आप जाते ही आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा सिंगल लेजर या मल्टीपल लेजर, उन दोनों में से आप किसी के भी ऑल्टर पे चले जाओगे। मैं यहाँ पे ऑल्टर पे चली गई। आप कीबोर्ड की भी मदद से आप इस तरह चूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली जो वर्ड आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे ए रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप ए प्रेस करके भी उसमें जा सकते हो। यहाँ जाने के बाद आपको जिस लेजर में भी डिलीट करना हो या कोई भी चेंजेस करने हो, सुधार करने हो, तो आप उस लेजर को चूज कर दो। मैंने यहाँ पे कैपिटल लेजर को चूज कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब कैपिटल लेजर को चूज करने के बाद हमारे यहाँ कैपिटल लेजर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर हम इसे डायरेक्टली इस तरह से एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा सकते हैं, नहीं तो अगर मान लीजिए अगर हमें इस लेजर की जरूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमारा जो शॉर्टकट की है वो ऑल्ट डी है। आप अगर आपको शॉर्टकट की नहीं भी पता तो मैं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हमारे ये जो पूरा स्क्रीन है, इस स्क्रीन के एकदम नीचे की तरफ आप देखिएगा, मैं अपने कर्सर की मदद से आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो डिलीट ऑप्शन आपका हाईलाइट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहां से भी आप अपने माउस या फिर कर्सर की मदद से कर सकते हो, अदरवाइज आप शॉर्टकट का सहारा ले सकते हो। शॉर्टकट की को अगर समझना हो, अगर टैली में जैसे होता है क्या कि अगर आपको जल्दी जल्दी काम करना है, कीज आपको याद नहीं रहते हैं, तो दो बातों का ध्यान रखिएगा। जिस लेटर के नीचे आपको सिंगल लाइन दिखाई दे, देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, जिस लेटर के नीचे आपको सिंगल लाइन दिखाई दे वो बटन हम ऑल्ट के साथ में प्रेस करेंगे, मतलब ऑल्ट डी, ये देखिए। अदरवाइज अगर मान लीजिए किसी लेटर के नीचे आपको डबल लाइन दिखाई दे, जैसे ये हमारे क्विट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और आप देख सकते हैं क्यू के नीचे डबल लाइन, डबल लाइन का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे जो की कॉम्बिनेशन बनानी है वो कंट्रोल के साथ यूज करनी है। तो अगर आप कंट्रोल क्यू प्रेस करोगे तो क्विट हो जाओगे, लेकिन हमें अभी क्विट नहीं होना है, अभी हमें क्या करना है, डिलीट करना है हमारे लेजर को। तो हमने सिंपली यहाँ पे ऑल्ट डी प्रेस किया, फिर वो हमसे पूछता है स्क्रीन कि क्या आप डिलीट करना चाहते हो, यस या नो, अगर यस तो वाई बटन प्रेस कर दीजिए, नो तो फिर नो बटन, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया आपका सिंगल लेजर। अब आते हैं आपको मल्टीपल लेजर क्रिएट करना बताते हैं फ्रेंड्स। मल्टीपल लेजर क्रिएट करना तो आप सिंपली क्रिएट पे जाइए, क्रिएट्स पर जाने के बाद आप यहाँ पे ऑल आइटम्स को चूज कर लेंगे। ऑल आइटम्स को हम क्यों चूज करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे स्क्रीन पर ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स खुला हुआ है। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स खुला होने का मतलब ये है कि इसमें हमारे जितने भी लेजर्स बनेंगे उन सभी का सारा ग्रुप हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि आपको एक ही लेजर आप इसमें डुप्लीकेट बना नहीं सकते हो, तो एक ग्रुप लेने का कोई मतलब नहीं है, और हमको बहुत सारे टाइप के लेजर्स बनाने जिन सभी के ग्रुप्स अलग अलग होंगे, तो मैंने क्या किया, सिंपली ऑल आइटम्स ले लिया।
ठीक है फ्रेंड्स, ऑल आइटम्स लेने के बाद इसे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद फिर से देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले कैपिटल अकाउंट बनाया था लेकिन मैंने डिलीट कर दिया। और फ्रेंड्स मैं फिर से दोहराती हूँ, और याद रखिएगा आप लोग कि आप लोगों को कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है, ठीक है ना। इसे बनाना है, ना ही इस लेजर को डिलीट करना है। इसके अलावा आप बाकी जितनी भी लेजर्स की आपको जरूरत पड़ती है वो सारे लेजर्स आप वन बाय वन क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल के लिए CAPITAL कैपिटल स्पेस देके मैंने यहाँ पे शॉर्ट में अकाउंट्स लिख लिया ये। अब इसका यहाँ पे अंडर अंडर मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रुप्स के लिए पूछता है। यहाँ पे स्क्रीन पर ये अंडर जो है ग्रुप्स के लिए पूछता है, तो स्पेस बार दबा के भी आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स ला सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी ही आपका आ जाता है। अब कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट्स में ही जाएगा। इस तरह मैंने डाउन एरो की मदद से मैंने कैपिटल अकाउंट चूज कर लिया। अब कर्सर हमारा ओपनिंग बैलेंस के नीचे गया। ओपनिंग बैलेंस के नीचे गया, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ओपनिंग बैलेंस अगर आप कुछ इसमें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं अगर दिखाना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। एंटर करके वापस से आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दूसरा लेजर बनाने की फैसिलिटी देगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने परचेज के लिए बना लिया, फ्रेंड्स यहाँ मैं बता दूं, अभी मैं जितने भी लेजर बना रही हूँ मैं सिर्फ आपको लोगों को लेजर बनाना सिखाने ही, इस पर्पस की वजह से ही मैं इसमें आप लोगों को वन बाय वन सारे एक साथ लेजर बना के दिखा रही हूँ। बाकी तो जैसे कि आपके जितने भी जर्नल ट्रांजेक्शन की एंट्रीज मिलेगी तो जब जैसे जरूरत होगी वैसे आप लेजर बनाएंगे। अगर पहले से बनी है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं बन पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मुझे परचेज की लेजर बनाना तो मैंने परचेज डाल दिया शॉर्ट। अब यहाँ पे फिर मैंने अकाउंट्स मेंशन कर दिया उसके सामने, ये देखिए अब परचेज है तो ये परचेज में जाएगा। यहाँ मैंने पी प्रेस कर दिया, पी प्रेस करने के बाद यहाँ मैंने डाउन एरो की मदद से परचेज अकाउंट चूज कर लिया। ये इसके सामने भी ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, मैंने कुछ नहीं शो कराया, छोड़ दिया उसको। अब उसके बाद मैं यहाँ पे परचेज है तो मुझे सेल्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे सेल्स का भी लेजर एक बना लिया इस तरह से। ये ठीक है, सेल्स है तो किस में जाएगा आपका, सेल्स के ग्रुप में ही जाएगा। यहाँ मैंने सेल्स पर अकाउंट चूज कर लिया ये, और उसको एंटर कर दिया। फिर नेक्स्ट इसी तरह से आप और भी लेजर बना, मैंने सपोज दैट यहाँ पे कुछ सिंपल लेजर्स बनाए, इसके अलावा मुझे एक बैंक की लेजर की जरूरत पड़ेगी तो मैंने सिंपली यहाँ पे एक बैंक का लेजर बना लिया, जैसे कि SBI बैंक ये तरह से एंटर करके इसको मैंने बैंक अकाउंट में ले लिया, बी प्रेस कर दिया बैंक अकाउंट ये इस तरह से। अब मुझे इसके आगे और लेजर्स नहीं बनाने तो सिंपली मैं एंटर कर दूंगी और इसको एक्सेप्ट करा लूंगी। बाकी आपको देखना है कि हमारे ये लेजर तैयार हुआ या नहीं, तो आप डिस्प्ले पे जाओगे इस तरह से, वापस से डी प्रेस कर दोगे यहाँ पे ये, और आप देख सकते हो कि आपका ये कैपिटल अकाउंट बन गया, इसके अलावा परचेज बन गया, सेल्स बन गया और SBI, मतलब आपके सामने मैंने ये चार एक्स्ट्रा लेजर्स बनाए और ये चारों एक्स्ट्रा लेजर्स आपके डिस्प्ले ऑप्शन में शो कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद इस तरह से आप गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाओगे। फ्रेंड्स आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि हमने लेजर किस तरह बनाया। अब लेजर बनाने के बाद हमको इसकी एंट्रीज भी करनी होती है, ओके फ्रेंड्स। तो आप लोग जैसे उसके लिए आपको कुछ जर्नल ट्रांजेक्शन की जरूरत पड़ती है, और उस जनरल ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आप जो है अपनी एंट्रीज करते हो। अब मैं डेमो के लिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जब अकाउंट्स इन्फो में आ गए और आपने अपने लेजर्स क्रिएट किए, लेजर्स तो आपने क्रिएट कर लिए, अब उसके बाद हमें इनकी एंट्रीज भी करनी पड़ती है। तो एंट्रीज करने के लिए वैसे तो दोस्तों अभी आपको बहुत कुछ सीखना होगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैंने अकाउंट्स के जो है मैंने लेजर बनाए हैं तो लेजर का इस्तेमाल कहाँ होता है मैं वो दिखा दूंगी। बाकी तो आपको वन बाय वन पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। अभी आप देख सकते हो कि मैं अपने स्क्रीन पे गई, और स्क्रीन पे जाकर के मैंने यहाँ से आपको अकाउंटिंग वाउचर चूज कर लिया। यहाँ पे मेरा स्क्रीन पर क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर वी अल्फाबेट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि इसका शॉर्टकट की क्या हुआ, वी प्लस प्रेस कर दीजिए, आप पहुंच गए अपने वाउचर्स में। आप देख सकते हो जो हमारा स्क्रीन है, हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन करके ही दिख रहा है, यानी कि अब हमको वाउचर क्रिएट करना है,
ओके फ्रेंड्स, अब क्योंकि जैसे कि मैंने सबसे पहले अपने क्योंकि मेरा पहला पहला बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान और रखिएगा, जब भी आप एंट्रीज करते हो तो एंट्रीज करने के टाइम पर होता क्या है कि आपको जो है अपने डेट्स का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि ये मेरा ऑफलाइन मोड है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था टैली ERP 9 पे जब आप ऑफलाइन मोड पे काम करते हो यानी एजुकेशनल मोड पे काम करते हो तब ये हर महीने का सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड डेट ही लेता है, इसके अलावा और कोई डेट नहीं लेता। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ जब आप लोग ऑनलाइन मोड पे यानी कि लाइसेंस बेस्ड टैली पे आप वर्क करोगे तो वहां क्या होता है कि आपका सिस्टम डेट लेता है, यानी कि आपका जो भी सिस्टम जिस सिस्टम पे भी आप वर्क कर रहे हो वो सिस्टम का जो भी डेट रहेगा ऑनलाइन जो भी डेट वहां पे शो करेगा उसी डेट को बाय डिफॉल्ट ले लेगा, तो वहां आपको अलग से डेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ बीच बीच में आपको कभी कभी डेट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी इसलिए ताकि आप पुरानी एंट्रीज को देख सको, या पुरानी एंट्रीज से रिलेटेड अगर कोई वर्क कर रहा आपको तभी आपको डेट चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज की इतनी जरूरत पड़ती नहीं। क्योंकि मेरा ये एजुकेशनल मोड है, तो एजुकेशनल मोड है इस वजह से मैंने क्या किया यहाँ पे डेट अपना चूज कर लिया। डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे मैंने अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस कर लिया, और यहाँ पे इस तरह से मैंने आप देख सकते हो वहां पे 1 मार्च शो करा था, अब यहाँ पे मैंने 2 चूज कर लिया। ये अब हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेट है वो 2 मार्च 2021। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्योंकि मैंने वहां पे कुछ लेजर्स बनाए थे देख सकते हो यहाँ पे, अब ये लेजर यहाँ पे सिर्फ आपको कैश और SBI का ही दिख रहा है। अभी हमको क्या करना है क्योंकि हमारा न्यू न्यू बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, मतलब हमारी फ्रेश कंपनी है, फ्रेश एंट्री होनी है, अब बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हमको शो करानी होगी, कुछ ना कुछ हमको कैश और बैंक फंड फ्लोज हमको शो कराना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर F7 बटन प्रेस करके जर्नल वाउचर में चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जर्नल वाउचर ये देख सकते हैं, मैं अपने जर्नल वाउचर पे आ चुकी हूँ, हमारे स्क्रीन पर आप यहाँ पे जर्नल वाउचर शो कर रही है, देखिए जर्नल वाउचर कोई एंट्री नहीं हुई है तो यहाँ पे नंबर 1 करके शो कर रहा है, और यहाँ हमारे स्क्रीन पर बाय करके शो कर रहा है। फ्रेंड्स आप लोग जैसे कि यहाँ पे आप सोच रहे हो बाय बाय का मतलब क्या हुआ, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट होता है उसे हम डेबिट को हम बाय के रूप में देखते हैं और क्रेडिट को 2 के रूप में देखते हैं। अगर आपको जो है ये बाय और टू नहीं समझ में आता तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं चेंज करना बताऊंगी नहीं क्योंकि अभी तो ये जैसे मैंने सिंपल एक लेजर बनाया तो उस लेजर की एंट्री कहाँ कैसे करनी है तो वो बता रही हूँ, बाकी तो मैं सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं करके आपको दिखाऊंगी, एक ही चीज मैं आपको सिखाती जाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ अपने स्क्रीन पे आ गए हैं, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट शो कराना है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जैसे कि अभी बताया टू और बाय के बारे में, बाय का मतलब होता है डेबिट। अब क्योंकि फ्रेंड्स हम जब यहाँ पे अपनी इंटरेस्ट शो कराते हैं वो भी जर्नल वाउचर में, तो हमको फ्रेंड्स कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं यानी कि पूंजी निवेश कर रहे हैं, तो पूंजी को हम लोग जो है क्या कहते हैं कैपिटल के रूप में देखते हैं। कैपिटल कैपिटल में बता दूं अकाउंट्स में हमेशा वो जो है आपके क्रेडिट साइड शो करता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप लोग क्या होगा लॉस में शो करने लगोगे, इसीलिए हम लोग कैपिटल को क्रेडिट साइड शो कराते हैं और डेबिट साइड कैश में। लेकिन फ्रेंड्स हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कहीं भी कैश नहीं शो कर रहा है, ये जो हमारा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पर इसमें हमारा कहीं भी जो है कैश अकाउंट नहीं शो कर रहा। अब क्या करें, कैश अकाउंट को शो कराने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस कर दीजिए, ये F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर जर्नल कॉन्फ़िगरेशन का ये ऑप्शन बॉक्स खुला है, इसमें क्या कहते हैं कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसे हम अगर इनेबल करा दें तो हमारा काम आसान होता है। अब वहां आप देख सकते हो बाय दिखा रहा है और हमने तो सिर्फ डेबिट क्रेडिट दिखा है, तो ऐसे में आप बाय से टू और बाय से आप डेबिट क्रेडिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली इसके लिए करना क्या है, बस ये जो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, इस ऑप्शन के सामने आप जाइए और वहां पे वाई प्रेस कर दीजिए, वाई प्रेस करके एंटर कर दीजिए। एंटर करके नीचे आएंगे तो आपको जो एक और ऑप्शन दिखाई देगा अलाउ
अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल, क्योंकि हमारे स्क्रीन पर जब हम जर्नल एंट्री करने जा रहे थे तो वहाँ कैश नहीं दिखाई पड़ रहा था। इस क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर नो था। हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये सेटिंग है, इसमें ये नो में शो कर रहा था, इसीलिए हम इसको यस करा लेंगे इस तरह से। और उसके बाद इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा। आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन में ये कैश का जो ऑप्शन है ये इनेबल करने लगा। अब सिंपली हम यहाँ से कैश को चूज कर लेंगे इस तरह से। लेकिन फ्रेंड्स, मैं वो जो F12 की मैंने प्रेस किया वो मैं बता दूं आपको, वो F12 की आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में एकदम नीचे स्क्रीन के F12 करके कॉन्फ़िगर करके दिख रहा है। कॉन्फ़िगर का मतलब होता है कि जो भी आप टैली की एंट्री करते हो, वाउचर्स में एंट्री करते हो, उन वाउचर्स की सेटिंग्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और जो ये F11 है ये आपके उसके फीचर्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ मुझे सेटिंग्स की जरूरत थी इसलिए मैं F12 प्रेस करके उसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी सेटिंग्स में गई और वहां से जिन ऑप्शंस की भी मुझे जरूरत थी उनको मैंने इनेबल करा लिया। आप देख सकते हो कि हमारे जर्नल वाउचर जहाँ पहले बाय करके दिखाई दे रहा था अब वहाँ वापस से हमको डेबिट क्रेडिट दिखाई देने लगा। जहाँ मैंने डेबिट के सामने कैश लिया हूँ, कैश में मैंने यहाँ पे जैसे जो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट इसमें शो करा दी है, ये देख सकते हैं 1 लाख रुपीज। ठीक है, फिर उसका एंटर करके आपका कर्सर यहाँ पे क्रेडिट के सामने गया। एक बार और एंटर करेंगे और कर्सर को यहाँ ले आएंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा हम जैसे अमाउंट में प्रेस किए तो उसका कर्सर क्रेडिट पे आया। क्रेडिट पे आने के बाद हमने फिर से एंटर प्रेस किया और यहाँ पर आकर हमने कैपिटल को चूज कर लिया इस तरह से। बाकी जब दोबारा आप कैपिटल चूज करो तो अमाउंट आपको दिखाना नहीं पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट अमाउंट आपका जो डेबिट में रहता है वही ऑटोमेटिकली क्रेडिट में ये ले ले रहा है। इससे तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमको इसमें किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, या बार बार हमको क्या कहते हैं इसमें अमाउंट डालने की जरूरत है। आप देख सकते हैं इससे हमारा काम कितना आसान हो गया, कैसे झटपट में ही हूँ कुछ ही सेकेंड्स में हमने एंट्रीज इस तरह से बना ली। यहाँ पे आपको नरेशन करना होता है, यहाँ मैंने इस तरह से आपका नरेशन कर दिया, देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर Pink, capital, capital, amount, shows, rupees, 1 lakh। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसमें नरेशन करके इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा सकते हो। वापस से पिछली एंट्री को देखना, पेज अप बटन प्रेस करके आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारे स्क्रीन पर कोई भी एंट्री की जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। बाकी के इसके बाद का जो भी प्रोसेस है आपको सारी, पहले तो मैं आपको जनरल एंट्रीज बताऊंगी, जनरल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगी, देन मैं उसके बाद फिर वन बाय वन यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये एंट्रीज के लेजर और लेजर के बाद उसकी एंट्रीज करना आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले एपिसोड के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। अगले एपिसोड में आप लोग के मतलब मेरे अगले लेक्चर में आप लोग के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस रहेंगे और बहुत सारी बेहद इंटरेस्टिंग बातें आप लोग को सीखने को मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स।